भाई राम राम जोधपुर वालों, आज का ये विशेष लाइव जोधपुर के इतिहास में एक ऐसा पहली बार कार्यक्रम हो रहा है, क्योंकि पिछले सवा महीने के अंदर, मतलब मात्र 40-42 दिन के अंदर 9 नाबालिग बच्चियों के साथ रैप और गैंग रैप की घटनाएं हो गई। इन सारे प्रकरणों को लेकर एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है, क्योंकि पूरी जनता कुंभकर्णी नींद में सो रही है, नेता सारे मरे पड़े हैं। तो क्रांति कैसे आती है वो मैं बताता हूं। या तो क्रांति कलम से आएगी और या कवि से आएगी। और इस मामले को लेकर अभी फिलहाल वर्तमान के अंदर कवि के तौर पे मारवाड़ के अंदर जितने भी भजन सम्राट हैं, भजन कलाकार हैं, सैल्यूट करूंगा मैं उन सभी कलाकारों को जिन्होंने इस रैप मामले को लेकर इतना बड़ा निर्णय और इतना बड़ा समर्थन दिया है। 1 अक्टूबर 2024 शाम को 7 बजे अपने पाल रोड पे पाल बालाजी का मंदिर है, बालाजी मंदिर के पास में ठाकुर जी का मंदिर है, वहां पे बहुत बड़ा ग्राउंड है। उस ग्राउंड के अंदर एक ऐतिहासिक विशाल भजन संध्या रखी है, जिसका नाम है एक शाम पीड़ित बालिकाओं के नाम। ऐसा कार्यक्रम का नाम आपने सुना नहीं होगा। अब आप सोचेंगे इनका क्या मकसद है, ऐसी भजन संध्या क्यों रख रहे हैं। मैं बता रहा हूं, बात क्रांति की है। या तो कलम से आएगी या कवि से आएगी। ये भजन कलाकार सूर्यनगरी के सोए हुए लोगों की, जो उनकी आत्मा है मरी पड़ी है, उसको जगाने के खातिर ये कार्यक्रम कर रहे हैं। भाई एक तारीख 2 दिन बाद में परसों ये कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के अंदर मैं बताता हूं, मारवाड़ के सभी पॉपुलर भजन कलाकार, आप इस लाइव को देखना और शेयर भी करना, क्योंकि बहुत बड़ी बात करनी है। मैं बता रहा हूं कि सबसे जो अपने पुराने हैं, यहाँ पे धर्म जाति की तो बात ही नहीं है। अगर मैं बता रहा हूं, जो ये रैप हुआ है ना, इन रैप में अगर एक भी अगर कोई रैप मुसलमान कर देता ना, ये बीजेपी वाले ले लेके चढ़ जाते, जो है सिया राम, पूरे शहर में कोराम मचा देते हैं। लेकिन जो रैप हुए हैं, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। 2-2 साल की बच्चियों के साथ, 2-2.5 साल की बच्ची क्या होती है और उसकी क्या स्थिति है, आप सोच भी नहीं सकते। तो भाई इन रैप मामलों को लेकर उन परिवारों की मदद करने के लिए मैं सबसे पहले बताऊं, जो बच्ची है अपने 2.5 साल की बच्ची के साथ रैप हुआ था, वो मध्य प्रदेश का रहने वाला है। रैप के बाद में उस बच्ची की बच्चेदानी निकाल दी, उम्मीद अस्पताल में भर्ती थी। डॉक्टरों ने छुट्टी देने के खातिर कही थी कि भाई इनको छुट्टी कहां दें, इनको रखे कहां, बच्ची को संक्रमण फैल जाएगा, 3-4 महीने कहीं सेफ जगह रखने पड़ेगी। तो सरकार, जो हमारे चिकित्सा मंत्री गए थे गजेंद्र सिंह जी, बोले इस बच्ची और इस परिवार के लिए भगवान ने सुनहरा अवसर दिया है, कई घंटे का सुनहरा अवसर है। उस परिवार को, उस बच्ची को सेफ जगह रखने के लिए कहीं जोधपुर में जगह नहीं, सरकार के पास कोई जगह नहीं। एक समाज सेवी संस्था है, उसका जगह का नाम तो नहीं बताऊंगा, वृद्धाश्रम में रखा है, क्योंकि माँ बाप को भी साथ में रखना पड़ता है। अब उनके रहने की व्यवस्था नहीं, खाने की व्यवस्था नहीं। आपने पौराणिक युग सतयुग के अंदर देखा होगा कि भाई जैसे कोई एक यज्ञ करना हो, राजा बलि ने यज्ञ किया था, शोभा यज्ञ अपने बिलेड़ा के पास में पीछे आग में, तो एक आदमी भी अगर भूखा रह जाता ना, तो उस यज्ञ का मकसद पूरा नहीं होता। मतलब एक आदमी भी दुखी नहीं रहना चाहिए। तो राजा बलि जब शोभा यज्ञ कर रहे थे, भगवान विष्णु उनको छल कपट से हरण के खातिर 52 रूप बना के आए थे, और वो भोजन का बहाना करके राजा बलि को जुबान दी थी। मतलब ये होता था कि भाई एक आदमी भी अगर भूखा रह गया तो वो यज्ञ पूरा नहीं होता है। आज हमारे शहर के अंदर एक छोटी सी बेटी है, उसके परिवार में इतनी बड़ी विपदा आ गई, वो मां नहीं बन सकती, उसकी बच्चेदानी निकाल दी, ये पाप पूरे शहर को लग रहा है। और ऐसे कई सारे बलात्कार के मामले हो गए और हमारा शहर मरा पड़ा, सो रहा है नींद में, किसी को कोई नहीं है। तो मेरा तमाम भाइयों से निवेदन है, जो ये कार्यक्रम है, सबसे पहले मैं सैल्यूट करूंगा हमारे जो भजन कलाकार है, जो जोधपुर की इतनी बड़ी भजन संध्या ना तो आपने सुनी होगी, ना इतने कलाकार कभी आए होंगे। जो मोइनुद्दीन जी मंचला, जो सीनियर है भाई, बाबा के भजन गाते हैं, वो इस कार्यक्रम के अंदर उन्होंने समय दिया है। उसके बाद में डॉक्टर ओम जी मुंडेल, जो आज गौ भक्तों के लिए इतनी सैकड़ों गौशालाओं के अंदर दान भामाशाहों से ले लिया, तुलसाराम जी बनगवा, छोटू सिंह जी रावणा, जो एकदम क्रांतिकारी और एक दिन मतलब लोगों का सोया हुआ जमीर जगा देते हैं, गजेंद्र जी अजमेरा, जो डीजे किंग के नाम से पॉपुलर है भाई, गजेंद्र जी राव, संजय जी पंचारिया, अनिल जी देवड़ा, ये सारे जो कलाकार बता रहा हूं ना,
ये सगले एक मंच पे आ रहे हैं 1 तारीख को। पाल बालाजी अपना जो ये मंदिर है उसके पास में ये ठाकुर जी का बड़ा मंदिर है, शायद आपने देखा नहीं होगा, आप देखोगे। कम से कम 20-25 बीघा ग्राउंड है, पूरा मतलब ग्रीनरी है और बहुत ही बढ़िया व्यवस्था की। शहर भर में होर्डिंग लगे हैं, परसों अखबारों में एड दे देंगे। और अब दूसरी बात चल रही है भाई नेताजी को बुलाए, किन नेता को बुलाए, तो हमने निर्णय किया भाई नेता कौन से नेता को बुलाए। ये कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के अंदर आप जोधपुर लाखोटिया पाली में होती है, लेकिन जोधपुर के अंदर इतना बड़ा कार्यक्रम गैंग रेप और रेप पीड़िताएं जो बच्चियां हैं सिर्फ उन बच्चियों के लिए कर रहे हैं। अब आप सोचेंगे इस भजन संध्या से क्या होगा। इस भजन संध्या में आपके घर में अगर बेटी है, आपकी बहन है, तो आपको ये सोच के आना चाहिए मेरी बेटी के प्रोटेक्शन का मामला है। मेरी बेटी की अगर मेरे बेटे के साथ भी कल को कुछ हो जाएगा तो कौन आएगा। हमें ये एकता दिखाने का मौका है। अब मेरा एक भाई से कमेंट में लिख रहा है मोदी है तो मुमकिन है। अरे मोदी है तो मुमकिन है तो यहाँ जोधपुर की बात है, यहाँ बीच में कहाँ गया। साले जो अंधभगत है ना, इनके दिमाग में कीड़ा भरा हुआ है, इनका भूसा भरा हुआ कभी नहीं निकलेगा। हर चीज के अंदर मोदी है तो मुमकिन है। ये अभी बीकानेर के अंदर एक फौज का मामला था, जो सिपाही शहीद हो गया उसको गार्ड ऑफ ऑनर देने पे मना कर रहे थे, बोले नहीं दे सकते। 3 दिन तक धरना चलिया और धरने के अंदर कोई निष्कर्ष नहीं निकला। आखिर में शेरे राजस्थान हनुमान जी बेनीवाल ने वहां पे कूच किया, कल गए थे प्रशासन से वार्ताएं की, हम लोग भी साथ में गए थे नेताजी को इस कार्यक्रम का इन्वाइट देने के लिए। एक ही बंदा है जो लड़ रहा है राजस्थान में, जिसको बुरा लगे वो घर में बैठो चूड़ी पहनो भाई। हर बात के अंदर कोई गरीब की बात आती है, ये जो 2.5 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ था, मोदी जी आए थे ना जोधपुर, मिलके गए क्या, एक रुपया भी दिया क्या। तुम्हारा भजन लाल बच्ची उम्मेद अस्पताल में भर्ती है और भजन लाल जी वहां से राम प्रसाद जी के राम द्वारा गए थे तो बच्चे से मिल नहीं सकते। 2.5 साल की बेटी किसको बोलते हैं यार, 3 बैंत की बच्ची है, उनके साथ इतना बड़ा घटना हुआ है, कोई नहीं बोलना। छोड़ो राजनीति को, तो जो सिपाही वाला मामला है उसके अंदर गार्ड ऑफ ऑनर देने से उनको दिक्कत हो रही। बोले तिरंगा में ले जाएंगे, सलामी दे देंगे, लेकिन फायर नहीं करेंगे। आज की है ना फायर, नेताजी गए थे वहां पे, अधिकारियों से बात की, नहीं माने। फिर रात को 12 बजे उन्होंने ऐलान किया था कि सोमवार को हम पूरे बीकानेर को घेर लेंगे और इतनी सारी जनता आएगी कि सिस्टम फेल हो जाएगा। प्रशासन ने सरकार को अवगत कराया, बोले भाई हनुमान जी ने जो ऐलान किया है और इतने लोग आएंगे, फौज का मामला भाई, गार्डो 15 दिन में क्या दिक्कत आ रही। यहां पे भी राजनीति, लेकिन चमचे मोदी है तो मुमकिन। अरे कहां गए मोदी जी, हमको मोदी जी के खिलाफ नहीं है, लेकिन हर चीज के अंदर जोधपुर में रेप हो रहा है, मोदी है तो मुमकिन। अरे तुम्हारे घर में बहन बेटी के अगर साथ कोई घटना हो जाए, ब्याह शादी हो जाए ना, एक ही लिखना मोदी है तो मुमकिन है। मैं इस चीज का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप लोगों की जो नीयत खराब होगी, ये कमेंट करते हैं ना, ये नहीं पूछ रहे कोई कि भाई ये प्रोग्राम हो रहा है, हमारे शहर के मरे पड़े हैं। क्रांति मर्दों से आती, मुर्दों से नहीं, और मुर्दों की फौज खड़ी है। ब्राह्मण समाज की बेटी के साथ गैंगरेप हुआ उम्मेद अस्पताल में, कहां गए भाई तुम्हारा विधायक ब्राह्मण, मुख्यमंत्री ब्राह्मण, क्यों नहीं आए बाहर। किसी को लड़ने का शौक है ही नहीं, लड़ने के लिए सिर्फ हनुमान। भगत सिंह पड़ोस के घर में चाहिए, खुद के घर में नहीं। बैठ जाओ चूड़ी पहन के, कुछ ना होने वाला है। तो मेरा कहने का मकसद है कि भाई हम तो कल नेताजी को इन्विटेशन देने गए थे, तो वो कल उन्होंने सब पटिया देखा, मनन भी किया था, और बेटियों के लिए मुझे नहीं लगता नेताजी मना करेंगे, वो इस कार्यक्रम में आएंगे, हमें पक्का विश्वास है। आप इस चीज की लड़ाका एक ही है भाई, जोधपुर के अंदर नरेश जाट वाला जो सीआरपीएफ जवान का प्रकरण हुआ, ये लवलीकंडा एनकाउंटर हुआ था, कहां गए जोधपुर के नेता। ऐसे सैकड़ों उदाहरण बता दूंगा, चाहे अग्निवीर का, चलो छोड़ दो, हमें ये बच्चों के मामले को लेकर करना है। लेकिन जैसे ही हमारे भाई लोग है ना, इनको खुद की बुद्धि से ये एकता दिखाने का समय है। पिछले कई दिनों से हम घूम रहे पीछे पीछे, ये एक राव समाज की बेटी का अभी 5-7 दिन पहले गैंगरेप हो गया, वो कोई पार्टी पुलटी में गई थी, लेकिन किसी को पता ही नहीं कौन है। बिश्नोई समाज पर्यावरण के लिए जान देता है, अच्छी बात है, मां अमृता देवी का सम्मान आगे बढ़ाते हैं। और अभी जो इनके जो अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो मोदी जी से मिले हैं, समाज को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, अच्छी बात है भाई, मैं कह रहा हूं। लेकिन 3 बेटियों के साथ, जिसमें समाज की बेटियों के साथ, 2 के साथ गैंगरेप हुआ, 1 फड़ौदी के अंदर 7 लोगों ने गैंगरेप किया एक बच्ची के साथ में, लेकिन कोई समाज का बंदा अध्यक्ष कोई बार नहीं आया। बनाड़ के अंदर एक बच्ची के साथ, जिसमें समाज की बेटी के साथ रेप हुआ, कोई नहीं बोलिया। एक अभी बीच में हुआ था, उनके रिश्ते का कोई ऐसा था, वो करके 3 मामले हो गए, कोई नहीं बोल रहे।
सीधा ही मोती है तो मुमकिन है, जाओ तुम भाई करो, हमें कुछ नहीं करना है। ये बात जाति की नहीं, धर्म की नहीं, ये मानवता की लड़ाई है। उदयपुर के अंदर वो जो बच्चे का मर्डर वाला मामला हुआ था, पूरे उदयपुर में आग लगा दी, और यहां पे कुछ नहीं, क्योंकि वो हिंदू मुसलमान का मामला है। अपनी बहन बेटी की इज्जत में भी तुम्हें वो धर्म दिखता है। मेरे भाइयों, तुमसे यही निवेदन है कि जोधपुर वालों के लिए इतिहास के अंदर आज भजन कलाकार पहली बार मैं सैल्यूट करूंगा इन तमाम कलाकारों को जिन्होंने निःशुल्क एक रुपया भी नहीं लिया। बोले भाई जी, ऐसा बच्चियों के लिए कार्यक्रम है, हम लोग आएंगे। उस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह भी है, जो भामाशाह कुछ है जिनका मन होगा वो सहयोग देंगे। वो सहयोग से जो 2.5 साल की बेटियां हैं, ये जोधपुर की बेटी होगी। राजा बड़ी बड़ा एग्जाम्पल इसलिए दे रहा था, एक बंदा भी भूखा हुआ ना तो यज्ञ पूरा नहीं होता। वैसे ही आज एक मध्य प्रदेश का मीणा समाज का बेटी के साथ, मीणा समाज की मध्य प्रदेश की 2.5 साल की बेटी के साथ रैप हो गया और उनके परिवार के रहने खाने की व्यवस्था नहीं है। हम मर गए जोधपुर वाले तो वैसे ही, हम जिंदा है क्यों, मकसद ही नहीं है। एक प्रदेश की बेटी के साथ यहां पे इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ और हम लोग कुछ ना कर पाए, उसकी मदद ना कर पाए। आज वो वृद्धाश्रम में है, जो कचरा बीन के खाता था, आज पूरे वो शहर की बेटी है, उसकी बच्चादानी भी निकाल दी। वो परिवार कहां जाएगा, कहीं जाने वाला नहीं है। तो मेरे भाइयों, तुमसे यही निवेदन है कि जो 1 तारीख का कार्यक्रम हो रहा है पाल बालाजी मंदिर के पास में, पाल रोड पे जो ठाकुर जी मंदिर है, इस कार्यक्रम ज्यादा से ज्यादा हो, एकता दिखाओ। ये किसी का पॉलिटिकली इश्यू नहीं है, पॉलिटिकली नहीं है। आप लोग जितना चाहते हो उतना इस कार्यक्रम के अंदर सब लोग आ रहे हैं। फिर मैं दोबारा बता रहा हूं, जैसे मोइनुद्दीन जी मनचला है, सीनियर कलाकार, आज छोटू सिंह रावणा क्रांतिकारी, एकदम मतलब भाई उनकी जो जुबान के अंदर दम है, 50,000 लोग भी बैठे हो ना तो भी रोक लेते हैं। आज ओम जी मुंडेल, तुलसाराम जी मनगावा, गजेंद्र जी अजमेरा, इन लोगों का एक ऐसा ग्रामीण के अंदर ऐसा ट्रैक है कि लोगों की भावनाएं जगा देते हैं। आप लोग यहां आ जाना और इस कार्यक्रम के अंदर देखना कि मतलब क्या होता है। अब एक बीच में पता नहीं कौन ये भाई है जो लिख रहे हैं कि जोधपुर के अंदर तेरे जैसे बेवड़े, अबे भड़वे, तुझे ये पता नहीं है, तेरी बहन बेटी के साथ रैप हुआ है और हम लोग आवाज उठा रहे हैं, हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, घर का टाइम पैसा सब कुछ बर्बाद करके हम लोग घूम रहे हैं, इतने कलाकारों को बुला रहे हैं, और इस भड़वे को अपनी बहन बेटी के बारे में भी ये लिख रहे हैं, बेवड़ा बेवड़ा तेरी माँ होगी, तेरा बाप होगा, साले कुत्तों को कोई शर्म ही नहीं है। सीधा लिखो, आज बेटा मैं कमेंट पढ़ रहा हूं, तुम लोगों को शर्म तो है नहीं। अब आज बहन बेटी की बात कर रहे हैं, उधर उसमें भी इनको जाति दिख रही है, सारे भजन कलाकार आ रहे हैं, वो क्रांति लाना चाहते हैं। भाई इस परिवार की मदद करें, जिन बेटियों के साथ में रैप हुआ है, गैंग रैप हुआ है, उनकी परिवारिक हालत भी ठीक नहीं है, तो उनको भी मदद करेंगे। हम चाहते हैं इनके रहने खाने की अगर कोई कानूनी लड़ाई। अब जैसे मैं बता रहा हूं, जो ये भड़वा लोग कमेंट कर रहे हैं ना, कुछ दो चार ये अंधभगत है, इनके दिमाग में गोबर भरा पड़ा है और इनको कोई शर्म है नहीं। चलो मरने दो ना, इनका काम यही है, गुलामी करने के लिए पैदा हुआ है। मैं बता रहा हूं, पिछले साल जब चुनाव होने थे ना, विधानसभा के और छात्र संघ के चुनाव आने थे, वो चलो गहलोत गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दिए छात्र संघ वाले, तो उस चुनाव के पहले एक ओल्ड कैंपस के अंदर एक गैंगरेप हुआ था। ब्याहूर की कोई छोरी थी, मतलब बिटिया थी, उसके साथ में गैंगरेप हुआ था। पूरा कोहराम मचा दिया जोधपुर से लेकर जयपुर तक, ये अशोक गहलोत ने कर दिया, वो कर दिया, शायद वो ऐसा लग रहा था अशोक गहलोत ने खुद कोई रैप कर दिया होगा, इतना बवाल किया था। अभी कहां मर गए वो सारे नेता, क्यों नहीं बोल रहे। और उस गैंगरेप का हवाला इसलिए दे रहा हूं, अभी उस प्रकरण को 1 साल हुआ है लगभग, और उस गैंगरेप के अंदर राजीनामा हो गया। क्यों हुआ राजीनामा, उस परिवार के पास लड़ने के लिए पैसा ही नहीं भाई, वो परदेसी है, इधर जोधपुर में उसकी छोरी भाग के आ गई और गैंगरेप हुआ। सरकार ने भी उस समय जो भी किया था, नीलकमल जी जो अपने बोरा साहब है, जो बहुत सीनियर एडवोकेट है, उनको सरकार ने स्पेशल पीपी नियुक्त किया था उस मुकदमे के लिए, लेकिन नीलकमल जी बता रहे थे भाई उसके अंदर राजीनामा हो गया। राजीनामा क्यों हुआ, उन परिवारों के पास लड़ने के लिए पैसा नहीं है, वो कैसे लड़ेंगे, वकील कोर्ट के अंदर जाओ। अभी ऐसा करो ना तुम लोग, ये जो बेटियां है ना जिनके रैप के गैंग रैप के मुकदमे हुए, उन मुकदमों के अंदर भी हमारे महान जो वकील है ना, वो उनकी पैरवी कर रहे हैं, उनके भी नाम बता के सार्वजनिक करेंगे हम लोग।
अरे तुम बेटियों के साथ बलात्कार हुए, गैंगरेप हुए, निर्दयता हुई, इतनी दरिंदगी हुई उन बेटियों के साथ, और उनको भी वकील कहते हैं साहब, ये तो बेचारा निर्दोष है। भगवान ना करे ऐसे लोगों के घर में जो वकील है ना पैरवी करते हैं उनके घर में भी। तो मेरा तमाम भाइयों से निवेदन है कि जो परसों कार्यक्रम हो रहा है 1 तारीख को ठाकुर जी के मंदिर में, तमाम भजन कलाकार आ रहे हैं। भाई मैंने प्रकाश जी माली से बात की थी लेकिन हो सके उनको टाइम नहीं है, मैं तो और भी कहता हूँ, प्रकाश जी के 2 तारीख को अहमदाबाद में प्रोग्राम है, आशा जी वैष्णो में, इन सब भी हमने बातचीत की थी लेकिन हो सके टाइम नहीं है भाई, वो उनकी पर्सनल प्रोग्राम है, पर्सनल विचारधारा। हम तो ये चाहते हैं प्रकाश जी को, इनको सबको आना चाहिए, जो कलाकार आए हैं वाकई में दिल जीत गया इस शहर का। हम लोगों ने इतनी मेहनत की, इतना कुछ कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों की जो मानसिकता खराब हुई पड़ी है ना, उन लोगों का कोई इलाज नहीं भाई, डॉक्टर कुलवाल के पास दिखाओ। अरे जब बहन बेटी की बात आती है तो भी साले कुत्ते लोग बकवास करना चालू कर देते, करो ना, इनका खानदानी पूछते नहीं धंधा होगा, इसमें बुरा मत मानना, जो बोलेंगे खुला बोलेंगे भाई। और हनुमान जी को हमने इन्वाइट किया है, वही एक बंदा है जो क्रांति ला सकता है। जब क्यों किया, जितने भी ये अपने रैप के मामले हुए, नेताजी ने हर मामले के अंदर संज्ञान लिया, ट्वीट किया, अब कह रहे हैं हनुमान बेनीवाल ने आके न्याय दिला दिया। अरे मरे पड़े लोग, तुम कौन से इकट्ठे हो गए, धरना दिया क्या? कभी 50-100 लोग बैठते धरना देते, 200-500 लोग, फिर हनुमान जी को बोलते। बीकानेर के अंदर 3 दिन से बैठे थे ना, नहीं हुआ न्याय, गया हनुमान बेनीवाल। अपने जयपुर SMS मोर्चरी के अंदर वो एक सिपाही बाबूलाल जी बैरवा आत्महत्या कर ली थी, उसके अंदर भी लोग बैठे थे, उनके समाज के और सब लोग बैठे थे, नहीं हुआ, हनुमान जी गए वहां पे भी। वो बंदा न्याय दिलाता है, मैं तो कहता हूं ना, ऐसा धरती पे हमारी व्यक्तिगत लाइफ कहो, ये राजस्थान के लिए सौभाग्य कहो, ऐसा नेता कभी पैदा नहीं होगा। इसलिए उनको हम निमंत्रण देने गए, कल और बात करेंगे, नेताजी आएंगे तो ना वो पोस्ट डाल देंगे मैं आ रहा हूं, और नेताजी आ गए तो यहां का नजारा ही अलग होगा। इसलिए मेरा तमाम भाइयों से निवेदन है, ज्यादा बहसबाजी करने से कोई मतलब नहीं, जिनको गंदगी फैलानी है वो फैलाएं। यहां पे हर समाज, दरिंदा, अपराधी, हत्यारा, इन कुत्तों की कोई जाति नहीं होती है, ये सिर्फ जाति के नाम पे कलंक होते हैं, ऐसे दरिंदों का पक्ष मत लो। अब जो ये 2.5 साल की बेटी का मामला हुआ था, इनका दरिंदा जैसे वो रैपिस्ट है, सिंधी समाज का है, तो सिंधी समाज उनकी पक्ष थोड़ा ही ले रहा है, समाज नहीं ले रहा है, लेकिन भाजपा के जो नेता है ना, हमारे नेता, कार्यकर्ता नहीं बोल रहा हूं, कार्यकर्ता बैठ के बोलते हैं यार ये पता नहीं कैसी सरकार है, कुछ बोल नहीं रही है, नेता अभी मुंह नहीं खोल रहे हैं, बोले हमारा वोट बैंक है। तुम लोग उस बच्ची से जाके मिल लेते तुम्हारा वोट टूट जाता, मतलब वो बलात्कार ही तुम्हारा कुछ लग रहा है। भाई हमारे कार्यक्रम में चाहे 100 लोग आओ, चाहे 5,000 आओ, चाहे 50,000 आओ, झूठ ना बोलेंगे, क्यों झूठ बोले, किस लिए बोले? आज सूर्य नगरी को एकता दिखाने का वक्त है और सबको आना चाहिए। आप लोग आएंगे, हनुमान जी आए नहीं आए, लेकिन आपको आना है, और मैं कहता हूं 99% हनुमान जी इस कार्यक्रम के लिए आएंगे। नेताजी से हमने निवेदन किया है, भाई जो मर्द लोग हैं उनको ही बुलाते हैं, दूसरा नेता आएगा बोलेगा भारत माता की जय हो, जिंदाबाद, और फिर निकल लिए, कौन सा तुमने तीर मार लिया? कन्हैयालाल के जो हथियार थे उनकी जमानतें हो गई, भारतीय जनता पार्टी नहीं बोली ना, कोई नेता नहीं बोला ना, मैं कार्यकर्ता हूं नहीं कह रहा हूं, कार्यकर्ता बेचारे क्या करते हैं, आप और हम जैसे लोग ही है कार्यकर्ता, ऐसे कोई बड़ा नहीं है। आज किसी नेता के, वो केरला के अंदर एक हथनी मरी थी, उस हथनी के मामले को लेकर पूरी भारतीय जनता पार्टी गली से लेकर मोदी जी तक ट्वीट कर दिया, हथनी को मार दिया, उसके पेट में बच्चा था, और यहां तो बच्चियां मर रही है जोधपुर के अंदर, बाहर बैठे लोग हंसते हैं। कल भी कन्नेर गया था, बोले भाई जी तुम्हारे जोधपुर में तो कुछ है ही नहीं, शर्म हमें भी आती है, बोले इतने सारे रेप हो गए कोई बोल ही नहीं रहा है। मैंने कहा ना बोलेंगे भाई जी, हम आए इसलिए तो नेताजी के पास में कि साहब आपको आना है। ये जो कलाकार है ना, इनके अंदर वाकई के अंदर वो मतलब होती है, कवि है, एक कवि के अंदर वो ज्वाला होती है, वो आग होती है। आम आदमी पार्टी का जब स्थापना हुआ था उस समय भी कवि था ना उनके साथ में, कवि नहीं होता तो क्या होता बताओ, नाम तो अपने किसी का लेना नहीं है, कवि जैसे अटल बिहारी जी वाजपेयी जी वो भी कवि थे, अटल जी एक कवि थे, लोगों की भावनाएं जगाते, उनको उनका जमीर याद दिलाते कि हम किस लिए, कवि बहुत बड़ी चीज होती है। महाराणा प्रताप ने हार मान ली थी तो वहां पे कवि पृथ्वीराज चौहान,
जो अकबर के दरबार में था उन्होंने वापस चिट्ठी लिखी और महाराणा प्रताप का जमीर वापस जिंदा कर दिया। तो भाई ये कवि लोग हैं, ये हारे हुए आदमी को जिता देते हैं, मरे हुए को तो जिंदा नहीं कर सकते। ये बंगाल के अंदर एक रैप का मामला हुआ था तो हमारे जोधपुर के डॉक्टर वहां पे कर रहे हैं, बंगाल के अंदर सही नहीं हुआ वो नहीं हुआ, और यहां पे रैली निकाल रहे हैं। और जोधपुर के मथुरादास माथुर हॉस्पिटल के अंदर एक ANM है, हमारी बहन के साथ में एक कोई बंदा उनका सहकर्मी छेड़छाड़ कर रहा है, 3 बार छेड़छाड़ कर दी, कोई कार्रवाई नहीं, और 4th बार हुई फिर उसने जाके कुछ बोला तब जाके कार्रवाई हुई। कुछ ये जो पैदाइशी खानदान के पागल लोग है ना, वो लोग ट्वीट कर रहे हैं, इन भड़वों को पूछो किसी बहन बेटी के कभी तुम जाके खड़े हुए क्या? साले कुत्ते लोग कभी नहीं सुधरने वाले हैं, इनको कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, बकवास। एक जैसे मानव प्रजाति बनाई ईश्वर ने, तो इंसान भी बनाया, गाय भी बनाई, घोड़े भी बनाए, जानवर भी बनाए, कुत्ते भी बनाए, तो ये हमारी जो इंसानियत प्रवृत्ति है ना, इसके अंदर ये कुत्ते हैं, इनका भोगने का काम है। जब कुत्ते नहीं होंगे तो मानव का वो मैं तो मालूम नहीं पड़ेगा ना, कौन कैसे है ना, ये आदमी तो शेर है, मतलब वो शेर नहीं होता ना, सकल से उसकी कर्म उसकी कार्यशैली से वो शेर कहलाता है। वैसे जो कुत्ते पैदा होते हैं ना, जिनका काम ही यही, वो यही करना रहता है, सालों भगते रहो तुम लोग, तुम्हारा काम ही यही है। तुम्हारे घर के अंदर बहन बेटी है ना, कभी बेटी के सर पे हाथ रख के सोचना कि काश अगर मेरी बेटी के साथ हल्का सा भी कांटा भी छुप जाए ना, कितना दर्द होता है। और जिन बेटियों के साथ दरिंदगी हुई है उनके दर्द को तुम क्या समझ पाओगे? हर बात के अंदर राजनीति आ जाती है। हम तो भारतीय जनता पार्टी के, उखाड़ दो बाबा जी का तंबू। कांग्रेस, जोधपुर की कांग्रेस कितनी महान पार्टी है मैं बताऊं आपको, एक रैली निकाली थी, हम जोधपुर के अंदर बलात्कार नहीं सहेंगे, वो नहीं सहेंगे, और उसी दिन बलात्कार हो गए बनाड़ के अंदर। एक रैली निकाल दी, पार्टी का काम खत्म, खलास, दोबारा कुछ नहीं, क्योंकि इनको तो अखबार के अंदर न्यूज आनी चाहिए, हमने बलात्कार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, क्या हुआ, बलात्कार बंद हो गए। फिर इससे कुछ नहीं होने वाला, आप और हमें जगना पड़ेगा, और हम लोग जब तक नहीं जगेंगे तब तक ये दरिंदे ऐसे ही करते रहेंगे। चलो जैसे 2 साल 5 साल 10 साल 12 साल की बच्चियां क्या समझती है, 15-16 साल की तो और भी थोड़ी बहुत जानती है, उन बच्चियों के साथ दरिंदगी हो रही है। मैं तो कह रहा हूं जिन भाइयों को अगर लगता है जमीर जिंदा है कि भाई हनुमान जी आने चाहिए, तो ये जो हम बोल रहे हैं, हम इस कार्यक्रम की बात करें, इस वीडियो को शेयर करो, शेयर करने की तो हिम्मत है नहीं, जिनका कलेजा शेर जैसा होगा वही शेयर करेगा भाई, सही बात है। अगर दुश्मन भी अगर कोई बात बोलता है ना, उसका भी समर्थन करना चाहिए कि वाकई में ये बात तो सही है, लेकिन जो गंदगी भरी पड़ी है जिनके दिमाग में, जिनके खानदान के अंदर पैदाइशी ऐसे ही है साले, कुछ लोग उनका यही काम है, बकवास करने दो ना, हम लोग तो उनका सामना करने को तैयार है। तो मेरे भाइयों तुमसे यही निवेदन है, ज्यादा से ज्यादा इस कार्यक्रम के आने की सोचो, हर आदमी को जगाओ कि भाई बहन बेटी के साथ हो रहा है, हम लोग बैठे क्यों, अपना हित की नगरी है, और हमने कार्यक्रम भी ऐसा ही अपना हित का रेखा है, सारे भजन कलाकारों ने अपना हित दिखाई है और सभी एक मंच पे आ रहे हैं। फिर दोबारा बता रहा हूं, मोइनुद्दीन मंचला, कुछ लोग बोलेंगे भाई ये तो मुसलमान, अरे बाबा के भजन गाते हैं और हम यहां जाति धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, बात मुसलमानों की होती ना बहन बेटी की, मैं बता रहा हूं कुछ 2017-18 की बात होगी, एक जम्मू कश्मीर के अंदर 2.5 साल की मुस्लिम समाज की बेटी के साथ रेप हुआ था, पूरे हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान सड़कों पे आ गए, अच्छी बात है ना, लेकिन हम लोग नहीं, हम लोग तो बस वो करना है, करते रहो तुम लोग, एकता तुम भी दिखाओ ना, इतना टाइम हो गया, इतने नो रेप हो गए, किसको बोलते हैं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ में क्या समझती, कोई मंदिर के बाहर सो रही उसको उठा के ले जा रहा है, कोई अस्पताल के अंदर बच्चे का रेप हो रहा है, पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन पुलिस को यह करना चाहिए, सरकार को छूट देनी चाहिए कि ये भड़वे लोगों के साथ जो रैप कर रहे हैं ना, दरिंदे ना, इनको मुंडन करा के पूरे बाजार में बारात निकालनी चाहिए, लेकिन सरकार से ऊपर इंस्ट्रक्शन मिल जाते हैं, हमारे वोट बैंक है, दरिंदों की भी जाति से जोड़ के अपना वोट जोड़ देते हैं, कभी भला होने वाला नहीं मेरे भाइयों। अगर मेरी बात बुरी लगे ना, 2 रोटी ज्यादा खा लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को, विरोध करने वाले होने चाहिए, जब तक साले ये अगर मैं तो कह रहा हूं छाछ नहीं हो ना तो दही कैसे जमेगा।
काचर के बीज होते हैं, सोमन दूध को भर देते हैं, और जिन लोगों का यही काम है इस कार्यक्रम के अंदर, मेरे भाइयों तुमसे हाथ जोड़ के निवेदन है, सारे आओ, एकता दिखाओ, एकता ही बहुत बड़ी। अब कहते ना पुलिस ने इस प्रोग्राम की परमिशन दे दी 3 दिन पहले ही, एक सेकंड भी नहीं लगाया हर पुलिस वाले ने आगे चल के ये कहा कि भाई ये काम अच्छा है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो हमें भी ये सोचना चाहिए, जो कलाकार आज बेचारे कोई 1.25 लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपए तक एक एक कार्यक्रम में लेते हैं, वो सारे जिनके कुछ के विचार मिले ना मिले, वो सारे कलाकार एक मंच पे आ रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं अगर कोई प्रकाश जी के जानकार हो, प्रकाश जी को बोलो भाई तुम्हें भी इस कार्यक्रम में आना चाहिए, आपका अगर 2 तारीख का कार्यक्रम नहीं है, आशा वैष्णव है, हम लोग किसी के विरोधी नहीं है, जरूरी नहीं है काम हो जाता है, कल को आप कोई प्रदर्शन रखो मैं ना आ पाऊं तो जरूर थोड़ा ये काम हो जाए और आना जरूरी हो। वर्तमान के अंदर सबसे पहले जो मार्शल कुंभ है उनको खुलकर आगे आना चाहिए। जैसे वाल्मीकि समाज के कई लोगों से बात हुई थी तो वो कह रहे हैं यार गांधी अस्पताल में ये कुत्ते लोग पता नहीं कौन है, हमारी बदनामी कर रहे हैं, और जो अखबार के अंदर ऐसे लिखा आता है ये दरिंदा वाल्मीकि, तो भाई जाति लिखने से नहीं लिखनी चाहिए मीडिया के अंदर भी, मेरा तो यही है इन दरिंदों की कोई ये लिखना चाहिए फलाना दरिंदा, ढिमका दरिंदा, इनकी जाति के बीच दरिंदा, उनको जाति से मत जोड़ो मेरे भाइयों। लेकिन समाज को चाहिए, वाल्मीकि समाज को यह चाहिए, उन दरिंदों को उन कुत्तों को फांसी की सजा हो। आप लोगों को इस कार्यक्रम के अंदर बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। कभी जोधपुर के अंदर अभी तक रैप के मामलों में कांग्रेस ने एक दिन रैली निकाली, हाउ हाउ कर दिया और निकल गए, क्या मकसद हुआ? तुम लोग धरने पे बैठे, तुम्हारे राज के अंदर भी तो, कांग्रेस के राज में भी तो आपने सोचा होगा थानों के अंदर रैप हुए, एम्बुलेंसों में रैप हुए, स्कूलों में कॉलेजों में हर जगह रैप हुए थे। तो सरकार रैप होता है, एक जनता की ड्यूटी होती है। जैसे बीकानेर के अंदर ये सही जैसे परिवार खुलकर आ गया, फिर समाज के लोग आए, फिर सर्व समाज के लोग आए, उनसे भी बात नहीं बढ़ी, तब हनुमान जी से बात की, साहब आपको आना पड़ेगा। नेताजी गए, 4 घंटे के अंदर बैठे, प्रशासन को देख लिया, बोले दम नहीं है, बात नहीं बनेगी। राजनाथ सिंह जी से 2-2 बार बात कर ली और रात को 12 बजे ऐलान किया था और सुबह तक मामला सॉर्ट आउट हो गया। उनको पता है हनुमान ने बोला है वो करेंगे, और हमारे नेता क्या करेंगे पता है? वो उसके टांग खींचेंगे, ये कौन है रे, ये क्यों प्रोग्राम करा रहा है, इसको क्या ज्यादा है? पुलिस वालों को फोन करेंगे, बोले इसको कैसे परमिशन दे दी आपने? भाई हमें कुछ नहीं दिखता है, बात मानवता की आती है, बात जहां आती है पुलिस के अंदर भी तो हृदय होता ना, उनके घर में भी तो बेटियां हैं। हम चाहते हैं इस प्रोग्राम के 2-5 लाख 50 लाख जितने भी पैसा आएंगे भामाशाह देने वाले हैं, ये अपनी बेटी हैं 2.5 साल वाली, और जो दूसरी बेटियां जो ब्राह्मण समाज की बेटी के साथ जो रैप हुआ ना, उस परिवार से जाके कोई मिले क्या? हम वहां के विधायक ब्राह्मण है देवेंद्र जी जोशी, गए मिलने के लिए? नहीं, 1 रुपया भी सहयोग दिलवाया, वो भाड़े के मकान में रहता है वो परिवार, लेकिन किसी को कोई नहीं पड़ी है। जब मेरी बात से अगर सहमत हो तो इस वीडियो को एक बार शेयर जरूर ठोकना, शेयर करोगे हर आदमी तक बात जाएगी, जरूर थोड़ा ही मेरा वीडियो सब लोगों तक पहुंच जाए। आप लोग शेयर करोगे, मदद करोगे, कुछ लोग ऐसे भी बैठे घरों में जिनको मैसेज मिलते ही वो उठ के खड़े हो जाते हैं। भाई बात नेतृत्व की होती है, जैसे विधायक है वो धरने पे बैठे थे लेकिन उनमें वो दम नहीं है जो हनुमान बेनीवाल में है, वो लड़ लड़ के 95 से जब छात्र संघ में थे तब से लड़े, आज दिन तक धोखा नहीं दिया कहीं पे भी, किसी मोड़ पे पार्टी बनाई तो भी विलय नहीं की कभी, लड़ रहे हैं आज भी लड़ रहे हैं। तो वैसे आदमी को इनवाइट कर रहे हैं ताकि यहां आएंगे तो यहां के सिस्टम को भी मालूम पड़ेगा कि हनुमान बेनीवाल की सैलरी क्या है, वो पीड़ित परिजनों से मिलेगा, हनुमान जी मिलेंगे तो मिलकर, वो जैसे मीणा समाज की बिटिया है, आप और हम कुछ नहीं कर सकते, और वो सीधा डॉक्टर साहब किरोड़ीलाल जी मीणा से बात करेंगे, डॉक्टर साहब आपके समाज की बेटी है, आप सरकार में बैठे हो कुछ करो, तो ऐसे फायदा होगा भाई। देवेंद्र जोशी जो विधायक है सूरसागर के अंदर, उनकी खुद की समाज की बेटी के साथ गांधी अस्पताल में गैंगरेप हो गया, कुछ नहीं, ट्वीट भी नहीं किया, काहे को ट्वीट करेंगे? पहले हमारे जो केंद्रीय मंत्री है ना गप्पू बना, रोज जंगल राज जंगल राज जंगल राज, अब क्या रामराज आ गया? होना ही है रामराज, संजीवनी के मामले में क्लीन चिट। कभी वही जो एसओजी है, एसओजी पिछली गवर्नमेंट के अंदर जाके बोलती है इन लोगों ने पैसा ले लिया, खाते में ट्रांसफर हो गया, और अभी सरकार बदली पूरा मामला यू टर्न, बोले मंत्री जी का कोई रोल नहीं है। भाई ये कुछ नहीं होने वाला है, संजीवनी के जो गरीब लोग है ना
बेचारों ने खून पसीने मेहनत की, जैसे हिरण मरिया था तो उसको सलमान खान को बरी कर दिया, बोले सलमान खान ने हिरण नहीं मारा, तो हिरण ने खुद अपने कनपट्टी पे गोली रख के आत्महत्या की होगी। और वैसा ही संजीवनी का पैसा है, सबको बरी कर दिया, इसका रोल नहीं, इसका रोल नहीं, वो पैसा न जाने भगवान खा गए। संजीवनी का पैसा लौटाओ ना, हमको क्या करना है, कौन बरी हो रहा है, कौन जेल में बैठा है। तुम लोग ऐसे कोई प्रावधान बनाओ, सिस्टम बनाओ, ताकि उन गरीबों को पैसा मिल सके। 1,000 करोड़ रुपए किसको बोलते हैं भाई। मैंने तो खुद ने इस मामले के पहले वीडियो डाले थे तो कई लोगों के फोन आए, बोले भाई जी मेरे पापा जी रिटायर्ड हुए थे, 25 लाख रुपए आए, संजीवनी डाल दिए और पैसा डूब गया, मेरे माँ बाप दोनों खत्म हो गए। हमने जोधपुर शहर के अंदर एक परिवार है जिनका वीडियो भी आया था पिछली बार, वो अशोक जी ने पता नहीं सीएम हाउस में बुला के कोई ड्रामाबाजी की थी, उनका उद्देश्य क्या था वो पता नहीं, लेकिन पीड़िता परिवारों के जो बयान आए थे ना, वो बयान आप सुनिए। एक बेटिया बोल रही थी कि हमारे पिताजी के, हम 4 बेटियां हैं, हमारे पिताजी ने पैसा जमा किया था संजीवनी के अंदर 25 लाख रुपए, बोले बेटियों की शादी करूंगा, पैसा डूब गया, 4 बेटियों की शादी नहीं हुई। किसी ने जाके आंसू पोंछे उनके। आप लोग जैसे हम लोगों ने एक संगठन बनाया है जस्टिस फॉर माइनर एक्शन कमेटी, मतलब नाबालिग बच्चियों की न्यायकारी समिति, इसके अंदर हम लोग जोड़ेंगे अच्छे लोगों को, जैसे गंदे भड़वे लोगों को जोड़ दिया, इनका तो कोई मतलब है नहीं, वो सीधा हर मामले में होगा, ये करना चाहिए। तो भाई कुछ भला होने वाला नहीं है, मैंने बहुत लंबा टाइम ले लिया, बात तो एक शॉर्ट थी, अपना विचार रखना था, लेकिन कुछ गंदगियां जो गंदगी पैदाइश है, जो बीच में कमेंट कर रही थी, उनको जवाब देना भी जरूरी था ना। आ जाओ तुम उस कार्यक्रम के अंदर और कुछ करो, हम भी देखते हैं, तुम 100 रुपया दो ना उस बच्ची को। आप ऐसे मोहल्ले के अंदर व्हाट्सएप के अंदर ग्रुप बना दो और उसके अंदर 25-50 हजार रुपए इकट्ठे करो, कलेक्टर साहब को जाके सौंप दो, बोले साहब उस बच्चिया के नाम पे आप जो ये रिलीफ फंड होता है गवर्नमेंट का, उसके अंदर डाल के बोलो साहब ये बिटिया के नाम का आप FD करवा दो, जब 18 साल की होगी तब उसके काम आएगी। वो शराब दे रही पूरे शहर को। एक सती होती है ना जो साधु होता है, वो पूरे जहाज को बचा लेता है, और एक पापी अगर उसके अंदर होता है ना पूरे डुबो देता है। आज पूरी सूर्यनगरी का शहर का नाम खराब हुआ है तो इन दरिंदों के पीछे हुआ है, लेकिन हम लोग आज अपना इससे दिखाने का जो समय है, उस दिन आप आराम से इस, अब कोई लिखे इसके अंदर कानून बनना चाहिए, कानून तुम से मेरे से बनेगा क्या? छोड़ो कानून को, जो दुखी परिवार है उनकी मदद करो ताकि उन दरिंदों को फांसी की सजा मिले। आप लोग वकील खड़े करो, जो उनके दरिंदों के वकील है ना उसके नाम उजागर करो, एकदम खुल्लम खुल्ला करो ना, हम लोग साथ में बैठेंगे, आपकी मदद करेंगे, जिनको पता है कि ये वकील लोग इनके समर्थन में खड़े हैं। आप लोग कहते हो ना मैं शिवसेना में मुंबई में रहता था तो वहां पे बाला साहब ठाकरे से विचारों से क्यों प्रभावित हुआ, वहां पे जो ये ताज हरिवाड़ा वो जो बम ब्लास्ट हुआ था ना मुंबई का सबसे बड़ा ये कसाब पसाब जो भी आतंकवादियों का, तो उसके अंदर उनकी पैरवी कसाब की पैरवी करने के लिए एक अंजलि वाघमारे करके कोई एडवोकेट थी, वो उनकी पैरवी करने के लिए वकालतनामा दायर किया था और बाला साहब ने फरमान जारी कर दिया, बोले ये कौन रे ये कुतिया जो उस आतंकवादी कसाब की जो 250 लोगों का मर्डर हो गया और उसकी पैरवी कर रहे हैं। हजारों लोग उस अंजलि वाघमारे के घर के बाहर इकट्ठे हो गए और प्रदर्शन करने लग गए। उसने भी अपना वकालतनामा वापस ले लिया। वैसा होना चाहिए, एकता दिखानी चाहिए। आज जो 2.5 साल की बेटी के साथ रेप हुआ है और उसकी पैरवी करने के लिए अगर कोई वकील खड़ा होता है, जिन जिन बच्चियों के साथ गैंग रेप हुए, जो एक जो 11 साल की बच्ची क्या समझती है, एक नेपाली ने उनके साथ रेप कर दिया, 35 साल का था, 2.5 साल की बेटी के साथ 45 साल का, ऐसे हवानों की जो पैरवी करने के लिए जो चंद पैसों के लिए अपना जमीर बेचते हैं ना, वैसे वकीलों का विरोध करना चाहिए हमें। जब तक हम लोग विरोध नहीं करेंगे तब तक उनको क्या, पैसा ही मां बाप हो गया उनका। भाई कुछ नहीं, हम वो सही कहा है क्रांतिवीर फिल्म के अंदर नाना पाटेकर ने, सॉरी यशवंत के अंदर, सुबह उठो ना धोकर बाहर जाओ, भीड़ गाय के हिस्सा बनो, शाम को घर आओ दारू पिए, और बस वही सिस्टम चलता रहेगा दुनिया के अंदर। हम लोगों को अपना प्रेजेंटेशन दिखाना पड़ेगा, तुम लोग क्या कर सकते हो, सबके अंदर वो ताकत है। ये हनुमान बेनीवाल वो कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उनके अंदर ताकत है, वो कोई पेट में से पैदा हुए तब लेकर नहीं आए, लड़ाइयां लड़ी, सड़कों पे बैठे, संघर्ष किया।
हमारे कुछ बड़े बड़े नेता हैं जो 30 मार्क का बने पड़े हैं, उनकी आईडी का मेरे को एक स्क्रीनशॉट भेजना भाई, कि ये बलात्कार के मामलों को लेकर उन्होंने एक ट्वीट भी किया है, कोई नहीं बोलेंगे। और तुम लोगों में अगर दम हो ना तो इस वीडियो को शेयर करो, ताकि हर आदमी को असली तो मालूम पड़े ना कि भाई 1 तारीख को कार्यक्रम हो रहा है और इस कार्यक्रम के अंदर चलने हैं। आप सरकारी कर्मचारी हो तो भी बिंदास होकर आइए, इस कार्यक्रम के मजे लीजिए, क्योंकि 1 तारीख की रात को आप आराम से बैठिए, 2 तारीख को गांधी जयंती की छुट्टी है। और दूसरे जो जैसे मिस्त्री मार्केट है, लेबर है, कारीगर है, उनके लिए भी यह कार्यक्रम इतना बढ़िया रखा है कि 2 तारीख को अमावस है और आपको दान पुण्य करने हैं ना, तो रात को 9:39 पे 1 तारीख को अमावस लग जाएगी, अमावस्या आपका खुलकर दान पुण्य कीजिए। एकदम पारदर्शिता से, एक नहीं हम सैकड़ों लोग मिलकर इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। तो मेरे को कहा भाई जी लाइव करो तुम लोग, ताकि ध्यान तो पड़े इस कार्यक्रम की, तो कोई नहीं, जिनका जमीर जिंदा है वो आ जाइयो इस कार्यक्रम के अंदर। कल सुबह हमने किसान भवन पावटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, आपको लगता है आना चाहिए तो सुबह 10:30 किसान भवन सभा भवन में आ जाइयो, वहां मिलके बात कर लेंगे। फोन कर दियो, शहर भर में होर्डिंग लगाए। अब होर्डिंग की मैं बात बताऊं ना, जो होर्डिंग जिनके ये फ्रेम होती है, जिनके पोल होते हैं, उनसे बात की थी कि साहब ये बच्चियों के लिए हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं और आपके जो खाली पड़े हैं यहाँ पे हम ये बैनर लगा दे गया, सैल्यूट करता हूं। उन्होंने सीधा कहा भाई जी इतना अच्छा काम है तो आप लगाओ ना, किसने मना किया, पूरे शहर भर में हमने होर्डिंग लगा दिए, कोई दिक्कत ना। एक जैसे वो गोबर के अंदर जो पड़ा रहता है ना, उसका काम ही वही है, गोबर के अंदर जिन लोगों की नीयत खराब है वो ऐसे ही कमेंट करते रहेंगे अंधभक्ति के, मरने दो उन कुत्तों का, हमें कोई लेना देना नहीं है। मैंने कहा ना हर प्रजाति के लोग होते हैं, और हनुमान बेनीवाल मैं हूं ना, मानता हूं मैं, मेरे लिए वो सब कुछ है। हमने भगवान को तो इस दुनिया में नहीं देखा, और भगवान किसको बोलते हैं, भगवान वही जैसे भगत का भला कर दे। आपने भगवान के मंदिर में जाके बोला भगवान मेरा ये करना, मैं आपको प्रसाद चढ़ाऊंगा, और नागौर के अंदर आप लोग जाते हो ना, आपको ना जाति पूछते, ना धर्म पूछते, ना पार्टी पूछते, सीधा काम पूछ के हाथों हाथ, चाहे कोई आईपीएस अफसर हो, आईएएस हो, डिप्टी सीआई जो भी हो। अभी कल परसों आपने ऑडियो सुने होंगे, ये परसों सीएट के एग्जाम थे, कुछ बच्चे फंस गए, नेताजी को फोन कर रहे हैं, नेताजी ने हाथों हाथ वहां पे गाड़ियों की व्यवस्था कर दी। क्यों, जो सत्ता में बैठे मर गए क्या, उनको पता नहीं है, लेकिन वो सत्ता के अंदर कुंभकर्णी नींद सो रहे हैं। और विपक्ष में होंगे फिर वही लोग आके बोलेंगे मुर्दाबाद जिंदाबाद, और हम जैसे वहां पे जैसे कोई धाड़ी के बिना फोकट के मजदूर हैं, वो लोग घूम रहे हैं। आज हनुमान जी के भाई नारायण जी वो साथ में घूमते हैं, वो कर रहे हैं। और दूसरे जो बड़े बड़े नेता है ना, केंद्र मंत्री, उनका पता है क्या बेटा कहां है, कभी आया तुम्हारे लिए लड़ने के लिए सड़क पर आकर? और कुछ ऐसे भी नेता हैं जिनके परिवारों के ऐसे 2 नंबर के धंधे चलते हैं, सीधा फोन जाएगा, ए भाऊ क्या है, काय का प्रदर्शन कर रहा है, नेताजी सुरगस भग जाएंगे। आज जो काजल की कोठरी में हनुमान जी कहते हैं ना, वहां रह के भी बेदाग रहना पड़ता है तब आप लड़ पाओगे। आज ये जो हमारी बहन कहेंगे प्रियंका जी विस्मय, इनका जो प्रकरण हुआ था अस्पताल के अंदर डॉक्टरों की लापरवाही का मामला, इधर की कमेटी बनाई, कमेटी ने जांच रिपोर्ट सौंप दी, तो कार्रवाई करनी चाहिए ना। फिर ऊपर की एक कमेटी बनाई, जैसे उस अस्पताल मालिक को हो सकता है कोई बचाना होगा, कुछ ना कुछ तो रिपोर्ट आई ना। अगर वो रिपोर्ट ऐसा आ जाती है कि साहब अस्पताल प्रशासन का कोई घपला नहीं है, तो हाथों हाथ 1 सेकंड के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है अधिकारियों की, क्लीन चिट भलाना ढिगड़ा वो कर देते। लेकिन ऊपर कमेटी बनाई, बोले नीचे वाली कमेटी ने, अगर नीचे कमेटी ने गलत जांच रिपोर्ट सौंपी है इनको सस्पेंड करो, काहे को सरकार का पैसा दे रहे हो इनको, और अगर सही करी है तो कार्रवाई करो ना। फिर ऊपर की कमेटी, ये कमेटियां समेटियां बनेगी, मामला ठंडा कर देंगे। और जो ये कमेंट कर रहा था ना, जो पता नहीं कौन सा बिस्मय भाई, उनको बोल रहा हूं प्रियंका बिस्मय के मामले में जा अस्पताल में कुछ कर, धरना दे, हम तुम्हारे साथ आएंगे। बस ज्ञान झाड़ता फेसबुक पे एक फोन ले लिया, जिंदाबाद मुर्दाबाद, सालों जिंदगी में आयो, कीड़े मकोड़ों की जिंदगी मत जियो, इंसान की जिंदगी जियो, खुद आकर लड़ो, जेल जाना पड़े तो जाओ ना, सही चीज के लिए काहे का डर है। जेल चोरी करके, बलात्कार करके, ये ऐसे काम करके जेल जाते हो ना, वो खराब है। तो भाइयों, मेरा तमाम भाइयों से निवेदन है, जोधपुर की धरती पे
पहली बार या नहीं, अगर किसी को लगता है ना मैं बाड़मेर बैठा हूँ, मैं नागौर बैठा, भोपालगढ़ बैठा हूँ, सियालोट कहीं पे बैठा हूँ और मुझे इस कार्यक्रम में भागीदार मुझे सम्मिलित होने की इच्छा है, तो आइए, आपका स्वागत है। जितना अच्छा, अब हम कार्यक्रम, ये कोई आंदोलन थोड़े कर रहे हैं कि रात को हम मोर्चा निकाल रहे हैं, उस नेता को गाली दे दी, किसी को नहीं देंगे। ये कार्यक्रम सिर्फ बेटियों के सम्मान के लिए, उनको जो भी सहयोग हमेशा देंगे वो पैसा कलेक्टर साहब के मार्फत उन बच्चियों के नाम एफडी कराएंगे, जो वकील होंगे, जो कुछ वकीलों के जमीर जिंदा होगा वो कह देंगे भाई हम तो ऐसे ही फ्री फोकट में ये इनकी पैरवी करेंगे, तो उनका सम्मान होना चाहिए। और जो काली ये जो पहन के कोट पहन के जो दरिंदे खड़े हैं ना, उनको बचाने के लिए, वो भी दरिंदे ही है एक तौर से, अगर 2.5 साल की बेटी के साथ में रेप हुआ और उनकी कोई वकील पैरवी कर रहा है तो वो इंसान है क्या? वो तो खुद दरिंदा हो गया। गुनाह करने वाले से गुनाह सहन करने वाला बड़ा गुनाहगार होता है, और हमारी हम जोधपुर के लोग जो सहन कर रहे हैं ना, हम खुद पापी है, हमारा जमीर मर चुका है, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बोल बोल के भले ही गड़ा सूख जाए हमारा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वीडियो शेयर करने में, ये तो संपत पुनिया है, हनुमान बेनीवाल का आदमी है, हनुमान बेनीवाल मर्द है, मर्द, और मर्दों के साथ रहने से हमें बिल्कुल भी शर्म नहीं। जब भी संकट पड़ेगा तुम्हारे ऊपर, जब तुम्हारी कौम के ऊपर संकट पड़ेगा, उस समय हनुमान बेनीवाल याद आएगा। एक आदमी वो बताओ जो ये कह दे कि मैं हनुमान जी घर पे गया और मेरे को गाली दे के बाहर निकाल दिया, मेरा काम नहीं किया। रात को फोन करते हैं साहब मेरे को आरटीओ ने रोक दिया, नेताजी हतवा तो उसको फ्री करवाते, क्यों? वो तो क्यों सर के विधायक जीते थे और नागौर लोकसभा जीते, उनको बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, टोंक, दौसा, जयपुर, भीलवाड़ा जाने की कहां जरूरत है? क्योंकि उनका जमीर जिंदा है। और ऐसे लोगों की कदर करो। कल भगत सिंह की जयंती थी, तो भगत सिंह जयंती पे हमने तो भगत सिंह नहीं देखा, लेकिन हनुमान बेनीवाल एक भगत सिंह के रूप में बीकानेर गया था और उस परिवार को न्याय दिलाया था। जो बाप है ना उधर धरने पे बैठे, शहीद ये रामस्वरूप कसवा के पिताजी, एक बाप के लिए सबसे ज्यादा दुनिया में दुख की बात क्या होती है? अपने जवान बेटे को कंधा देना, वो भी देश की सेवा करते हुए अगर शहीद हो जाए, और उस बेटे को सम्मान के बजाय तीन तीन दिन तक बॉडियां पड़ी रहे, पता है कैसे चार रात निकाली होगी उन्होंने, आज पांचवी दिन जाकर उनका अंतिम संस्कार हुआ, लेकिन उनको न्याय दिलाने के लिए हनुमान बेनीवाल की आत्मा रोहित तब हो गए। आप लोग आराम से इस वीडियो को, अगर जमीर जिंदा है तो शेयर करो। मेरा ये नहीं है कि मेरा वीडियो के इतने व्यू आ गए, वो आ गए, वो नहीं चाहिए। इस वीडियो को इसलिए शेयर करो ताकि आम आदमी तक ये सूचना पहुंच सके, और जो कुत्ते कमीने दरिंदे जो नीच प्रवृत्ति के लोग हैं उनके कमेंट पढ़ के तो मजे आएंगे ना, हमें भी गोबर के गिंडोले साले वहीं पड़े रहेंगे, किसी के काम नहीं आएंगे। बूटियां की कहावत है ना कि मिनगी कुकु न तो छणा में काम आवे, ना धूप में आवे, ना निप ना आवे, ये मिनकी को गु है भाई जी। ये लोग धरती मात आया, सिर्फ एक ट्वीट कर दी, मोदी जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद, भजनलाल जिंदाबाद, या फिर वो मुर्दाबाद, क्या मिलेगा तुम्हें? तुम्हारे घर रोटी पहुंचाना आ रहे हैं, जो बंदा मर्द कर रहा है, जो मदद कर रहा है उसके जिंदाबाद बोलो ना। अगर सही बात लगे तो वीडियो शेयर करो, और नहीं लगे आराम से गुदड़ी ओढ़ के सो जाओ, होते रहेंगे बलात्कार, होते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राम राम भाइयों, बहुत लंबा टाइम हो गया और रात को भी आया था। अगर जिसका जमीर जिंदा हो, ताकि मैं भी नेताजी को बताऊं तो सही, कह देखो साहब इतने लोग आज आपको बुलाने के लिए वीडियो शेयर कर रहे हैं, हनुमान जी तक भी बात जाती है भाई, वो हर आदमी का एक एक कमेंट का ध्यान रखते हैं कि कौन सा बंदा क्या कमेंट कर रहा है। ओके भाई, राम राम, जय हिंद। और आप इस प्रोग्राम में जरूर आना, ये मेरा कोई व्यक्तिगत प्रोग्राम नहीं, मैंने वीडियो इसलिए लाइव किया ताकि हरेक को मालूम पड़ जाए कि इस कार्यक्रम में दोबारा फिर मैं तो सैल्यूट कर रहा हूं भाई, मोइनुद्दीन मंचला जी, डॉक्टर ओम जी मुंडेल, तुलसाराम जी बनगावा, छोटू सिंह जी रावणा, गजेंद्र जी अजमेरा, अपने गजेंद्र जी राव भाई, संजय जी पंचारिया, अनिल जी देवड़ा। और एक और अच्छी बात है, इस कार्यक्रम के अंदर जैसे कलाकार होते हैं, एक एंकर होता है ना, वो पब्लिक को कैसे रोकता, कैसे होल्ड करता भाई, सैल्यूट करता हूं मेरे भाई राजू माली जो बालोतरा के हैं,
उन्होंने चला के फोन किया, बोले भाई साहब प्रोग्राम कर रहे हैं। मैंने कहा ना भाई जी प्रोग्राम नहीं है, ये हम रोना रो रहे हैं इकट्ठे होकर। सब कलाकार वहां आएंगे और लोगों के बीच में एक दुख जाहिर करेंगे। ये प्रोग्राम हमारी कोई ना भक्ति का है ना देशभक्ति का है, ये हमारे लिए मरने जैसी मतलब वो बात हो गई। तब कलाकारों को आगे बढ़ना पड़ा और लोगों का जमीर जिंदा जगाने के लिए उन परिवारों की मदद करो। तो भाई राजू माली ने हमारे छोटे भाई ने फोन किया था, बोले भाई जी मैं इस कार्यक्रम के अंदर आऊंगा। हमने कहा धन्यवाद है भाई। ऐसे एक नहीं, मैं अभी नाम नहीं बता सकता हूं, सैकड़ों लोगों के फोन आए भाई जी हम मदद करें क्या करें। हमने कहा मदद उस कार्यक्रम कर देना, आपको अगर 100, 50, 500, 5000, 50000, 5 लाख, 5 करोड़ देने हो ना तो उस कार्यक्रम के आगे देना। ये किसी का व्यक्तिगत नहीं है, अकाउंट है जो मंदिर ट्रस्ट का है, अकाउंट के अंदर पैसे लेंगे, कलेक्टर साहब को सौंप देंगे। अगर अभी मैंने ले लिया तो कल क्या बोलेंगे लोग, ये पैसे ले रहा है। हमको भाई हराम के पैसे नहीं चाहिए, हम तेल भी घर का चला के घूमते हैं। और जो लोग जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम के अंदर, सब लोग जी जान से मदद कर रहे हैं, रात रात भर भाग रहे हैं। राम राम भाइयों, वीडियो जरूर शेयर कर दियो अगर आपका जमीर क्या करे तो, और शहर के 36 कौम के लोगों को, पूरे शहर को, पूरे मैं तो कह रहा हूं क्षेत्र के लोगों को आना चाहिए। ये एक मौका है एकता दिखाने का, अपना ही दिखाने का। हम लोग आपस में सभी कलाकार आज आ रहे हैं, भजन संध्याएं होती हैं, उसके अंदर सैकड़ों हजारों लोग इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन ये भजन संध्या नहीं है, एक शाम पीड़ित बालिकाओं के नाम। वैसा कार्यक्रम सुना नहीं होगा, और करने की नौबत क्यों आई कि परिवार मरे पड़े हैं, वृद्धाश्रम में बैठे हैं। जो बच्ची हमारे जोधपुर को पाप लग रहा है वो बेटी वहां बैठे इसलिए कर रहे हैं भाई, हमें भी बड़ा दर्द हो रहा है। हम कोई शौक से ये नहीं कर रहे हैं। कोई लोग बोलते हैं लाइव नहीं आ रहे, क्या करे लाइव आके, मरे हुए लोग है ना, अंधभगत बैठे हैं, साले कुत्तों का कोई काम तो है नहीं। जय श्री राम। अरे राम जी मरते हैं ना उस समय भी राम जी का नाम लेते हैं, जिंदा होते तो तुम एक स्पेशल हो गए क्या, राम जी भी जय बुला रहे हो। जो राम का नहीं वो बाबर की औलाद है, वो हिंदू नहीं है। तुम्हारे हिंदुओं के ठेकेदार को देख लिया क्या, अभी जो राजस्थान के अंदर 200, 199 विधायक है खेवसर हनुमान जी को छोड़कर, और 24 सांसद है, हनुमान जी सांसद भी है, विधायक भी थे, इस्तीफा दे दिया। 199 विधायक और 24 सांसदों में से बताओ किस नेता के घर पे गणेश जी स्थापित हुए थे। हनुमान बेनीवाल एक वो बंदा है, वो नेता है जिनके घर पे गणेश जी की, बरसों से मैं तो देख रहा हूं वहां गणेश जी की स्थापना होती है गणेश चतुर्थी को, और अनंत चतुर्थी को नेताजी अपने परिवार के साथ में डीजे के साथ नाचते गाते जाके गणपति बप्पा का विसर्जन करते हैं। क्या हिंदुत्व का पाठ पढ़ा रहे हो, मुग्ध में चले हमने तो। जो ये नाजायज लोग है ना, जिनका कोई काम नहीं है, कोई धंधा नहीं है, सिर्फ जय श्री राम। अरे राम जी को तुम बांट क्यों रहे हो, राम जी किसी के सबके लिए बराबर है, और हमसे ज्यादा तुम इम्तिहान नहीं दे सकते। एक काम लाके दिखाओ ना, कितनी बार जेल गए हम लोग हिंदुत्व के लिए, लेकिन देख लिया हिंदुत्व के नाम पे सिर्फ ढोंग होता है। यही जो गणपति गई ना, जालोर गेट चौराहे पे बीच का जो सर्कल है ना उस पे एक भी झंडा लगा क्या, सामने गणेश जी की मूर्ति लगी हुई थी। भारतीय जनता पार्टी का राज है, पुलिस ने कह दिया, बोले इस पे झंडा जो बैरियर लगे हैं जालोर गेट चौराहे पे इसके अंदर झंडा नहीं लगेगा। नहीं लगाना झंडा क्यों, अब तो हिंदुओं का राज है ना, लगाते झंडा, लेकिन नहीं, सिर्फ दिखावा होता है। चुनाव के टाइम में तुम्हारे वो मोटा भाई अमित शाह उधर जाके कहते हैं ईद पर वो दो टंकियां हम मुस्लिम भाइयों को फ्री देंगे, फिर क्यों लड़ा रहे हो हिंदू मुसलमान को। अगर यही बात करनी है तुम लोगों को, कभी ये जो संघ जो भागवत जी है वो साथ में बैठ के इधर माला पहनाते हैं, वो स्वागत करते हैं, वो करते हैं, सब प्रेम से रह रहे हैं, गलत करता है तो उसका विरोध होना चाहिए। या फिर तुम भी स्टैंड क्लियर रखो ना, योगी जी की तरह, बाला साहब ठाकरे की तरह, हम लोग ये करेंगे। दोगलापंथी करते हो उस बात पे गुस्सा आता है। मेरा अगर विचार किसी से नहीं बन रहा है तो नहीं बनना, लेकिन तुम लोग ये दोगलापंथी ठोकते हो ना, जय श्री राम जय श्री राम। अरे क्या सिखाओगे तुम जय श्री राम, क्या कर दिया तुमने जय श्री राम के लिए। जोधपुर के इतने मंत्री विधायक है ना तमाम, इसी वीडियो के अंदर एक मेरे को करप्शन के अंदर डालो, जब राम जी झोपड़ी के अंदर बैठे थे, जब राम जी तंबू के अंदर थे, कोई गया क्या तुम्हारा नेता
जो भी ये नेता मंत्री विधायक बने कोई नहीं गए, सब पैसा कमाना घोटाला करना ये काम में लगे हुए थे, किसी को कोई नहीं पड़ी। मेरे भाइयों, सिर्फ चुनाव आते हैं उसी समय हमें एक वोटर समझा जाता है। वोट डालने से पहले तो वो सेवक बनते हैं हमारे, और जैसे ही वोट पेटी में पड़े फिर वो शासक बन जाते हैं। हम लोग घूमते रहते हैं पीछे पीछे, घूमने की जरूरत नहीं है, खुद अपने दम पे जिंदगी जियो ना। और अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो जाए, जाओ हनुमान बेनीवाल का दरवाजा 24 घंटे खुला है, नेताजी का मोबाइल नंबर सबके पास है, लोग उनसे प्रेम इसलिए करते हैं, भाड़े की भीड़ नहीं है भाई। हम लोग भी जाके आए बीकानेर, क्यों हम भाड़े पे थोड़े गए थे, वो बंदा लड़ रहा है, हम उनको निमंत्रण देने गए थे। और ऐसे आदमी से अगर किसी को नफरत है तो वो नफरत करे, बहुत ज्यादा करनी चाहिए, जलन होनी चाहिए, मिर्ची लगनी चाहिए। बहुत लंबा पौन घंटे के आसपास का वीडियो हो गया भाई, क्या करें। ओके भाई, राम राम, बहुत बढ़िया। अगर जमीर अच्छा हो और आपको लग जाए कि भाई संपत ने आज जो बात कही है ठीक कही है, तो इस वीडियो को शेयर कर देना। और आपको लगे संपत तो ऐसे ही कर रहा है और ये भजन कलाकार ऐसे ही इकट्ठे हो रहे हैं, कुछ मत करो, मानव जाति में जन्म लिया आए गए, ऐसे ही चलते बने रहेंगे। राम राम भाई।